तो दोस्तों, इसमें आज बात करेंगे हाउ टू बिकम अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर। तो मैं पहले आपको ये बता दूं, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि नहीं आप लिनक्स पे जॉब नहीं कर सकते। आप चीज़ों को प्रैक्टिकली सीखोगे, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करोगे। देखो, सबसे पहले तो आपके पास एक ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, और वो प्रेफरेंस होता है कि अगर आपने आईटी से किया है, सीएस से किया है, या किसी भी आईटी की बैकग्राउंड से अगर आपने किया है प्रोफाइल में जैसे ग्रेजुएशन, तो क्या होता है कि आपको थोड़ा इजी हो जाता है वो टेक्नोलॉजी की चीज़ें कैच करने में। अब आप सोच रहे होगे कि नहीं, मैंने सिविल से किया, मैकेनिकल से किया, तो क्या मैं लिनक्स नहीं कर सकता? आप तब भी आप लिनक्स कर सकते हो, उसमें कोई ये मैंडेटरी नहीं है कि नहीं सीएसआईटी वाले बंदे ही लिनक्स में जाते हैं। अब होता क्या है, इसके बाद आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, अब इसके बाद में आप कहीं से लर्निंग करो, वो लिनक्स की चीज़ें सीखो, फंडामेंटल सीखो, फाइल कैसे काम करती है, लिनक्स सर्वर्स कैसे काम करते हैं। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें आपको लिनक्स में सीखनी पड़ेंगी, तब जाके आपको जॉब मिलेगी। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि किस किस प्रोफाइल से आप लिनक्स में जा सकते हो, या सिर्फ आईटी वाले ही जा सकते हैं। और ये नहीं है कि मतलब अगर आपको लिनक्स एडमिन बनना है तो सीएसआईटी जरूरी है। मेरे पास एक कॉमेंट आया था ऐसा कि नहीं, मेरा मैकेनिकल बैकग्राउंड है, मैं लिनक्स पे काम करना चाहता हूँ, या मैं लिनक्स पे जॉब करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? तो मैं उसी पे ये थोड़ा सा एक बेसिक वीडियो बना रहा हूँ कि आप किसी भी प्रोफाइल में हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, सिविल हो, या बीए बीकॉम, आपने कुछ भी किया हो ना, तब भी आप लिनक्स एडमिन बन सकते हो। बट आपको वो सारे कोर्सेज सीखने पड़ेंगे, रेड हैट हो गया, जो और भी मल्टीपल चीज़ें होती हैं उसमें सारी चीज़। और मैं आपको यहाँ पे बता दूँ दोस्तों कि लिनक्स एडमिन बनना इतना इजी भी नहीं है और इतना टफ भी नहीं है, मतलब दोनों चीज़ें। अगर आपके पास लर्निंग पॉइंट है ना, तो लिनक्स के आप क्लाउड में भी जा सकते हो, आप पाइथन भी सीख सकते हो, आप डेवऑप्स में भी जा सकते हो, अगर आपके पास लर्निंग है ना तो बहुत। और मैं यहाँ पे इसमें सैलरी बेस की बात करूँ तो आप इन एंड अराउंड अगर आपको 5 से 10 साल का एक्सपीरियंस हो जाता है तो आपको 10-12 लाख के आसपास आराम से इसमें मिल जाएगा लिनक्स एडमिन जब आप बन जाते हो। और बेसिक लिनक्स है तब भी उसमें अच्छी खासी सैलरी होती है। बट इसमें क्या है कि जो हम लोग विंडोज़ पे इंटरफेस है ना, जो हम लोगों का यूज़र इंटरफेस है विंडोज़ से, कि क्लिक किया, यहाँ दबा दिया, यहाँ क्लिक किया, ये कुछ लिख दिया, तो वहाँ पे क्या होता है, वो सारी चीज़ें आपको कमांड बेस करनी पड़ेंगी। अगर मुझे किसी फाइल में जाना है और किसी पाथ पे जाना है, वो चीज़ मुझे कॉपी करनी है, तो मुझे वो कमांड के थ्रू ही करना पड़ेगा, और कमांड के थ्रू वो चीज़ मुझे कॉपी करनी पड़ेगी उसके पाथ को या उस फाइल में। अगर सपोज मुझे कोई वीडियो कॉपी करना है डी ड्राइव से सी ड्राइव में, तो मैं क्या करूँगा, कमांड से ही टाइप करके सी डी ड्राइव का वीडियो जो है वो मुझे सी ड्राइव में लाना पड़ेगा। वो यूज़र इंटरफेस विंडोज जैसा नहीं होता है, और मोस्टली जो यूज होता है वो कंपनीज के जो सर्वर्स हैं वो सारे लिनक्स पे काम करते हैं। और जो बंदा सर्वर पे काम करता है, चाहे विंडोज सर्वर हो चाहे लिनक्स सर्वर हो, ऑब्वियस सी बात है उसकी सैलरी हाई होती है। तो मोस्टली जो लिनक्स यूजर्स होते हैं या लिनक्स जो या जो कंपनीज में सर्वर्स होते हैं, वो सारे लिनक्स पे काम करते हैं, क्योंकि ये सिक्योर भी होता है और फ्री ऑफ कॉस्ट इसके जो टूल्स आते हैं एप्लीकेशन, वो फ्री ऑफ कॉस्ट टूल्स मिलते हैं। और जो हैकर्स होते हैं वो उसमें वो लिनक्स सर्वर को जल्दी से हैक नहीं कर सकते। तो ये कुछ फंक्शनैलिटी होती हैं, अच्छी चीज़ें लिनक्स में इन कंपेयर टू विंडोज, इस वजह से ये कंपनीज ज़्यादा सर्वर लिनक्स को एज अ सर्वर यूज़ करती हैं वहाँ पे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।